अब नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होता है दोस्तों। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल दो न्यूली लॉन्च एंड्रॉयड स्मार्टफोन एली टीवी S1 प्रो और ओकटेल C21 प्रो हैं दोस्तों। आईफोन 14 प्रो को इतनी अच्छी तरीके से इतनी डिटेलिंग के साथ दोस्तों ये दो एंड्रॉयड स्मार्टफोन इमिटेट किया है, आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा iPhone 14 Pro है या कौन सा LETV S1 Pro या Oktel C21 Pro है। तो यहाँ दोस्तों iPhone 14 Pro मुद्दा नहीं है, बहुत दिग्गजों ने इसके ऊपर बहुत से वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया होगा जो YouTube सर्च करके आप देख सकते हैं। मेरा पॉइंट है दोस्तों जो iPhone 14 Pro लुक अलाइक Android स्मार्टफोन LETV S1 Pro और Oktel C21 Pro में आपको हार्डवेयर वाइज, लुक और ओवरव्यू वाइज, उसी के साथ साथ सभी डिटेल्स वाइज आखिर आपको यहाँ डिफरेंस किस तरह का दिया जाएगा वो बताना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये दोनों एंड्रॉयड स्मार्टफोन iPhone 14 Pro लुक अलाइक है कि नहीं पहले आपको भी दिखाना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये है Oktel C21 Pro और ये है दोस्तों LETV S1 Pro। आपको ज्यादा क्लोज इमिटेशन iPhone 14 Pro का देखने को मिलेगा LETV S1 Pro में। अब ये प्रूव हो चुका है दोस्तों ये दोनों एंड्रॉयड स्मार्टफोन iPhone 14 Pro लुक अलाइक हैं, लेकिन बैक पैनल का क्या? यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बैक पैनल हालांकि प्लास्टिक का है लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ग्लास फिनिश दिया गया है। अब चलिए दोस्तों ये दोनों एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कोर हार्डवेयर डिटेल्स के ऊपर मूव करने से पहले जान लेते हैं प्राइस पॉइंट किस तरह का रखा गया है, साथ ही साथ यहाँ आपको कनेक्टिविटी डिटेल्स किस तरह का दिया गया है। यहां दोस्तों जो प्राइस पॉइंट रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव है दोस्तों। LETV S1 Pro आपको लगभग 12,000 के अंदर 5G कनेक्टिविटी के साथ मिलने वाले हैं। Oktel C21 Pro 4G कनेक्टिविटी के साथ दोस्तों आपको 11,000 के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहां दोस्तों कहा जा सकता है LETV S1 Pro और Oktel C21 Pro आपको बजट में iPhone 14 Pro का टसन मारने का मौका दे रहा है। अब दोस्तों iPhone 14 Pro स्पेशली पहचाना जाता है अपने ट्रिपल कैमरा सेंसर के लिए। तो दोस्तों ये दोनों एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप विथ सेम डिजाइन दिया गया है दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सेंसर टाइप यहां दिया गया है थोड़ा सा डिफरेंस दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। LETV S1 Pro में जो रेयर शूटर होने वाले हैं दोस्तों ट्रिपल मॉड्यूल के अंदर ही आपको दिया गया है। लुक और ओवरव्यू आप देख सकते हैं, मेन शूटर 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, उसी के साथ साथ आपको AI सेंसर भी मिल रहा है। अगर फ्रंट शूटर की बात करें तो यहां दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का शूटर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड Oktel C21 Pro में आपको ट्रिपल मॉड्यूल के अंदर ही कैमरा दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां आपको एक बेहतर सेंसर दिया जा रहा है जो कि सोनी का होने वाला है दोस्तों। 21 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 0.3 मेगापिक्सल का सेंसर आपको रियर साइड में दिया गया है और जो फ्रंट शूटर होने वाले हैं दोस्तों 8 मेगापिक्सल का आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों डिफरेंस में कंपैटिबली बेहतर डिस्प्ले आपको Oktel C21 Pro में मिल रहा है। 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको LETV S1 Pro में दिया जाएगा, Oktel C21 Pro में आपको 6.39 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि कंपैटिबली स्मॉल डिस्प्ले होने वाले हैं। हालांकि दोनों डिस्प्ले आपको HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। स्टोरेज ऑप्शन में भी डिफरेंस है दोस्तों, LETV S1 Pro में आपको 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया जाएगा, 64GB का स्टोरेज आपको Oktel C21 Pro में मिलने वाले हैं। रैम टाइप में भी डिफरेंस है दोस्तों, LETV S1 Pro में आपको 8GB का रैम टाइप मिलेगा और Oktel C21 Pro में आपको 4GB का रैम टाइप दिया जा रहा है। अब ये दो iPhone 14 Pro लुकअलाइक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में बैटरी में भी दोस्तों ह्यूज डिफरेंस दिया गया है। Oktel C21 Pro में आपको 4000mAh का बैटरी सपोर्ट दिया गया है, 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहां आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यह जो आपको चार्जिंग सॉकेट मिलने वाले हैं माइक्रो USB टाइप मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों LETV S1 Pro में आपको बेहतर फैसिलिटी मिल रहा है बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहां आपको 5000mAh का बैटरी सपोर्ट दिया गया है, 10W फास्ट चार्जिंग यहां आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो चार्जिंग सॉकेट होने वाले हैं USB-C टाइप होगा। अब दोस्तों ये दोनों एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी डिटेल्स को लेके खास अलग से कुछ बताने को है नहीं, पहले ही जो डिफरेंस है दोस्तों मैं आपको वो बता चुका हूँ। एक 4G वेरिएंट है, दूसरा 5G वेरिएंट है। वही वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ का सपोर्ट यहाँ आपको दिया जाएगा, GPS का सपोर्ट भी यहाँ आपको दिया गया है। अब अगर सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो दोस्तों यहाँ आपको दोनों एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ही फेस अनलॉकिंग जैसे फीचर का सपोर्ट और दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। अगर वेट डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों LETV S1 Pro आपको
209 ग्राम्स का मिलेगा और दोस्तों ओकटेल C21 Pro 195 ग्राम्स का मिलने वाले हैं। अब यहीं पे कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो LED TV S1 Pro आपको ब्लू और ब्लैक ऑप्शन में मिलने वाले हैं और ओकटेल C21 Pro ब्लैक और ग्रीन ऑप्शन में मिलने वाले हैं। तो अब दोस्तों सभी डिफरेंस iPhone 14 Pro लुकअलाइक एंड्रॉइड स्मार्टफोन LED TV S1 Pro और ओकटेल C21 Pro का क्या क्या है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप जानना चाहेंगे ये दोनों एंड्रॉइड स्मार्टफोन कहाँ परचेजिंग के लिए मिलेगा। फिलहाल दोस्तों ये चाइना में दोनों स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। अगर इधर उधर करके ये इंडिया में किसी भी तरह लॉन्च होता है दोस्तों आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों अलीबाबा या अली एक्सप्रेस जैसे वेबसाइट या UI जैसे वेबसाइट का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो यहीं पे दोस्तों वीडियो को अब कंक्लूड करना चाहूंगा। अगर आईफोन लुकअलाइक और भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 4G फीचर फोन को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो बहुत से 4G फीचर फोन जो इंडिया में फिलहाल एग्जिस्ट करता है वो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही थे दोस्तों इस वीडियो में। होप मेरे द्वारा बताए गए सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो चलिए बहुत होगा बकबक, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेके।